हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का है पोर्शन, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी आपकी बुक में, जिस भी बुक को आप इस्तेमाल कर रहे हो, टीआर जैन को कर रहे हो, राधा जी को कर रहे हो, संदीप गर्ग को कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना अच्छे तरीके से बस बेसिकली। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा सर कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स था और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स था, दोनों में फर्क क्या था। माइक्रो में आई लगा हुआ था, आई से इंडिविजुअल, और मैक्रो में ए लगा हुआ था, ए से ऑल। तो जब भी हमारी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक इश्यूज को एक इंडिविजुअल यूनिट के हिसाब से देखा जा रहा था, इंडिविजुअल यूनिट यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, तो वो माइक्रो था। जब सबके हिसाब से कोई यूनिट नहीं थी, सबके हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, जैसे बेरोजगारी है, नेशनल इनकम है, जो कि आपको इस टर्म में पढ़ने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको मैक्रो के बारे में पढ़ना था, माइक्रो मैक्रो के बारे में, वो आप ऑलरेडी अंडरस्टूड हो। हाँ जी, बात करते हैं शुरुआत में आपसे गुड्स के साथ। गुड्स का मतलब क्या होता है, किस किस टाइप के गुड्स होते हैं वो देखेंगे। कि देखिए, जैसे कि आपने देखा हो, जो भी गुड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी गुड्स दुकानदार इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये चौक इस्तेमाल कर रहा हूं, इन सबके अलग अलग टाइप और अलग अलग फीचर्स होते हैं। और उसको हम पढ़ेंगे कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस गुड्स को क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा फाइनल गुड्स। सर, फाइनल गुड्स हमारे कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर हो चुके हैं, यानी कि वो बनके तैयार हैं। फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज जो बनके तैयार है, अब उस पर प्रोडक्शन नहीं होना, रेडी टू यूज है, रेडी टू यूज है बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स कौन है? फाइनल यूजर हमारा कंज्यूमर भी हो सकता है और फाइनल यूजर हमारा प्रोड्यूसर भी हो सकता है। अगर एक कंज्यूमर फाइनल गुड्स पर खर्चा करेगा तो उसे हम कहते हैं हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर एक कंज्यूमर फाइनल गुड्स पर खर्चा कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और अगर एक प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स पर खर्चा कर रहा है तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और आई होप कि आपको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तो पता होगा, है ना। जो गुड्स को लेते हैं अपने कंजप्शन करने के लिए तो उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं, और प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर वगैरह करने के लिए, बिजनेस वगैरह करने के लिए, तो हमारे प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो सर, फाइनल गुड्स क्या है? मैं इस चौक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, आप भी कपड़े पहने हुए हो। अरे सर, क्या बात करो, नंगे थोड़ी ना पड़ाओगे। अरे नहीं बेटा, मजाक की बात है। फाइनल गुड्स हमारा क्या है? जो गुड्स बन के तैयार है, पहला फीचर, रेडी टू यूज है, चाहे वो फाइनल यूजर करे या कंज्यूमर करे, रीसेल के पर्पज से नहीं है। सर क्या फाइनल गुड्स, आप गुड्स को, आपने कहा शुगर, आपने कहा कार, आपने कहा बाइक, आपने कहा मोबाइल, क्या ये फाइनल गुड्स हैं? नहीं। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा गुड्स फाइनल है और कौन सा इंटरमीडिएट है? दूसरे गुड्स का नाम क्या होता है सर? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है फाइनल गुड्स के जस्ट अपोजिट, फाइनल गुड्स के जस्ट उल्टा। कैसे? प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को उसने क्रॉस नहीं करा है। आओ मुन्ना, अभी आपने प्रोडक्शन और होना बाकी है, रियूज करने के लिए रेडी नहीं है और रीसेल पर्पस के लिए, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर, अगर आपसे कहा जाए कि शुगर है, आपने कहा है सर 1 किलो है। अरे मैं आपसे मांग नहीं रहा हूं शुगर, नालायकों कैसी कैसी बात करते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये शुगर है, और आपसे पूछा बताओ ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। आप कहोगे सर, मैं बता रहा हूं आप क्या कहोगे, कि इसके एंड यूज पर डिपेंड करता है कि इस शुगर का इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, किस पर्पस से किया जा रहा है। अगर आप घर में दूध में डाल के पी रहे हो, चाय में डाल के पी रहे हो, चीनी को,
तो वो क्या है हमारा फाइनल गुड्स है। अगर यही फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है बिस्किट्स वगैरह बनने के लिए, किसी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स है। आई होप सो कि फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का अब जो डिफरेंस है वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि फाइनल गुड्स क्या है हमारे और इंटरमीडिएट गुड्स हमारे क्या है। लेकिन गुड्स का जो कारवा है वो यहां पर खत्म नहीं होता बेटा, गुड्स का जो कारवा है वो यहां पर खत्म नहीं होता। तीसरा होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स, तीसरा होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करें। मैं एक कंज्यूमर हूं, मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी गुड्स हैं जो मेरी वांट को सेटिस्फाई करेगा उसको मैं कहूंगा कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमेबल गुड्स या कंजप्शन गुड्स। और इसके भी टाइप्स होते हैं जैसे ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सॉरी सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो एक साल से ज्यादा चलेंगे, जिनका इस्तेमाल आप एक साल से ज्यादा कर सकते हो वो हमारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं हमारे ड्यूरेबल गुड्स? जैसे कि आपकी बाइक, कार, आपका घर, ये सभी हमारे ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जिसका हद से हद एक साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। आपके कपड़े, आपका फोन, आपके समझ जाओ है ना, वो हमारे क्या है? सेमी ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल का इस्तेमाल जो सिर्फ एक बार किया जा सकता है, और ये आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि आप होशियार हैं भाई, बच्चे होशियार हैं आजकल के। नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या है? खाने पीने चीजें की बात कर रहा हूं मैं, आप कहीं और चले गए होंगे। नॉन ड्यूरेबल का मतलब है जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाएगा, खाने पीने की चीजें, वो हमारी नॉन ड्यूरेबल है। और सर्विसेज का मतलब होता है जब आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किसी दूसरे पर्सन से सर्विस लेते हो। आपको ताता हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास आए, आपको कुछ सीखना था कॉमर्स गुरुजी के पास आए, अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूं मैं, आपको डांस सीखना था आप डांसर के पास चले गए। तो ये सभी हमारी क्या है? सर्विसेज है। और ये सभी के सभी हमारे किसके टाइप है? कंज्यूमर गुड्स के टाइप है। सर क्या गुड्स यहीं पर खत्म हो गए? नहीं बेटा, अभी नहीं खत्म हुए। अभी वो टाइगर श्रॉफ का डायलॉग था ना, ये अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। नहीं बेटा, कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। सर इसको आप एक ही में क्यों बोल रहे हो? क्या एक ही नाम है? नहीं, नाम अलग है, थोड़ा थोड़ा फीचर है। अगर आप इसको डॉगी कह सकते हो तो आप उसको उसकी पूंछ कह सकते हो। कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं हमारे? कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? इनको भी हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। सर दोनों में फर्क क्या है? उसको भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और दोनों में फर्क भी नहीं बोल रहे हो। कैपिटल गुड्स को आप रिपीटेडली बार 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 इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स को सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, और यही डिफरेंस है। सर कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, प्रोड्यूसर गुड्स के एग्जाम्पल रॉ मेटेरियल। तो ये पांच वेराइटी थी आपके गुड्स की, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। चलिए अब मैं फटाफट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, फटाफट बताइएगा। मैं जिस कैमरे से, अरे सर आप तो फोन से वीडियो बना रहे हो, नहीं बेटा कैमरा बोलूंगा मैं, मेरे लिए तो मेरा कैमरा है, मैं जिस कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड्स है, डायरेक्टली यूज हो रहा है, बन के तैयार है, और रीसेल करने का मेरा कोई मन भी नहीं है। अच्छा मैं ये जो कैमरा लाया हूं, जिस दुकान से लाया हूं, उसके लिए वो कौन सा गुड्स था? इंटरमीडिएट गुड्स था, क्योंकि वो बेचने वाला है। मैं जिस दूध का इस्तेमाल घर में चाय बनाने के लिए कर रहा हूं, वो कौन सा गुड्स है? फाइनल गुड्स है। और जिस दूध में पानी मिला के दूध वाला बेच रहा है घर घर, वो कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स है। इन्हीं वैरायटी से कंज्यूमर गुड्स बन जाएगा। प्रोडक्शन पर जाओगे तो कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। और उम्मीद करता हूं आपको ये पांचों के पांचों गुड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात चलेगी हमारी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप शुरू करोगे अपना बिजनेस, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, स्टॉक होगा बेचने के लिए, लेबर होगी, आपके पास पैसा होगा, आपके पास फिक्स एसेट्स होगी। इन सभी में जो साल के एंड में इंक्रीजमेंट आएगा, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहेंगे, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होती है हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक होती है हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो आपकी कैपिटल एसेट्स में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको देखता है। साल के शुरू में आपके पास 5 मशीन थी और साल के एंड में आपके पास 10 मशीन हो गई या 12 हो गई, कितनी बढ़ गई, 5 मशीन बढ़ गई, 7 मशीन बढ़ गई, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है, पहले हम जानेंगे इन्वेंट्री क्या होती है। एक टाइम पर जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास कच्चा माल होता है, जिसको हम कह रहे हैं रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स होता है यानी कि आधा बन के तैयार, और फिनिश गुड्स होता है यानी कि पूरा लेकिन बिका नहीं। इन तीनों में जब भी कभी इंक्रीजमेंट होगा उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की ही बात चल रही है तो एक टाइप और देख लेते हैं जो आपको नेशनल इनकम में बहुत मदद करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ये आपको जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना हम, सर हमने तो पढ़ लिया आपकी पुरानी वीडियो से, चुपचाप से नई वीडियो बनाऊंगा और उसमें से पढ़ना, 2-4 व्यू आते हैं वो भी नहीं दे रहे हो। हाँ जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो या तो पुरानी मशीन को सही कराने में किया है या पुरानी मशीन को खरीदने में किया है और या नई मशीन को खरीदने में किया है। तो मुझे आप लोग बताओ, कायदे से बताना, आपको पता होगा क्या पुरानी मशीन में डेप्रिसिएशन लगा होगा, होगा ना, लगा होगा सर। तो क्या मैं कह सकता हूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा? यस सर होगा। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है नई मशीन, न्यू एसेट्स, उस पर डेप नहीं लगा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को नेट इन्वेस्टमेंट में चेंज कर दो, क्या करोगे सर? डेप को माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। अच्छा, अगर नेट को ग्रॉस में चेंज कर दो, मैं कहूं क्या करोगे सर? डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे। और आई होप सो कि आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में समझ आया होगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं क्या बता रहा हूं, गुड्स। गुड्स के बारे में आपको डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। और इस प्राणी को आप ढंग से देख लो, जिसको हम कहते हैं स्टॉक और फ्लो, ओ ओ, इनमें बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है। सर स्टॉक और फ्लो में तो बहुत दिक्कत होती है, समझ में ही नहीं आता। स्टॉक का मतलब और फ्लो का मतलब एक मिनट के अंदर समझ में आएगा कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और एट अ पीरियड ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और एट अ पीरियड ऑफ टाइम, दोनों में फर्क क्या है? मैंने अभी अपने जेब में हाथ डाला और मैंने देखा जेब तो खाली है, अरे मजाक की बात है, आपने अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक किया अभी के अभी, उसमें बैलेंस था 10,000 रुपए, ये हमारा क्या है, स्टॉक है। आपके घर में जो पानी की टंकी होगी उसमें आपने पानी मेजर किया अभी के अभी, उसमें क्या है, वाला स्टॉक है। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपने देखा अरे सर के तो व्यू केवल 20 हैं, ये क्या है, स्टॉक है। क्लियर हुआ? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, आपने देखा सर ने अभी के अभी कितने वर्ड लिख रखे हैं, वो हमारा स्टॉक है। फ्लो का मतलब क्या है, एट अ पीरियड ऑफ टाइम, हम इसे एक टाइम के दौरान मेजर करते हैं, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर,
15 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर आपके बैंक में जो बैलेंस है पिछले 7 दिनों में कितना है, कितना रहा, फ्लो है। पानी की टंकी में पिछले 7 दिन कितना पानी आया, कितना पानी गया, वो हमारा फ्लो है। आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, आप एक महीने बाद इस वीडियो को देखोगे, व्यू में कितना अंतर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा। और उम्मीद है कि आपको स्टॉक और फ्लो भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में, कभी लॉक करता ही नहीं हूं, बहुत से यूट्यूबर ऐसे कर देते हैं, नाम क्यों ले, क्यों ले नाम, आपको कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ लेना, और वरना व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा आईडी तो मैंने शुरुआत दी है, इंस्टा आईडी पे फॉलो कर लेना, बता रहा हूं जैसे, हाँ गोली चला दूंगा तुरंत। उसके बाद इस चैप्टर में बचता है हमारा डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब भी आप कैपिटल एसेट्स का इस्तेमाल करते हो प्रोडक्शन करने के लिए अपने बिजनेस में, तो वो जो एसेट्स होती है वो धीरे धीरे स्लो मोशन में स्लोली स्लोली उसकी जो कीमत होती है वो कम होती जाती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बाय नॉर्मल वियर एंड टियर भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस से भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस मींस होता है कि आपको मालूम था तकनीक में चेंज आ गया, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने अपनी पॉलिसी में चेंज कर लिया, तो उसकी वजह से आपके जो एसेट्स है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई, तकनीक नहीं आ गई तो आपकी जो पुरानी तकनीक थी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई। अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो उससे आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। भाई आप ये उम्मीद थोड़ा करोगे थोड़ा सा भूकंप आया तो मशीन को छुलके निकल गया, हो सकता है तबाह हो जाए, और तबाह होगा तो उससे क्या होगा आपको, कैपिटल लॉस। क्या होगा, कैपिटल लॉस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को कवर करने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एसेट्स है जो हर साल 10,000 रुपए से डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, तो आप एक फंड बनाओगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और उस फंड में हर साल 10,000 रुपए डालोगे। 5 साल बाद अगर वो मशीन पूरी खत्म हो जाती है तो 5 साल बाद उस फंड में इतना पैसा होगा कि आप उस फंड का पैसा निकाल के नई मशीन को ले सकते हो, इतना। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और है, वो और देख लेते हैं, फिर ये पूरा चैप्टर एक वीडियो में खत्म हो गया और हमको अच्छे से समझ में भी आ गया। बोल दो यार समझ में आ गया होगा, जैसा भी बोलने में क्या आ रहा है कि सर एक ही वीडियो में आपने हमें चैप्टर इतने बड़े तरीके से समझा दिया, मैं क्या बताऊं सर, तो अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं, बच्चा करे ना करे। इंटरसेक्टोरल फ्लो और सर्कुलर फ्लो, इंटरसेक्टोरल फ्लो और सर्कुलर फ्लो। इंटरसेक्टोरल फ्लो का मतलब होता है कि हमारे इंडिया में 4 सेक्टर काम कर रहे हैं, एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, एक हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और एक हमारा कौन रह गया, प्रोड्यूसर सेक्टर है। ये चारों सेक्टर एक दूसरे सेक्टर पर डिपेंड है। हाउस होल्ड सेक्टर हम लोग डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर पे सामान लेने के लिए, प्रोड्यूसर सेक्टर है हमारे ऊपर पैसे लेने के लिए, सामान देने के लिए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड है, भाई हम डिपेंड है कि हमारे यहाँ जो गुड्स अवेलेबल नहीं होते वो बाहर से लाएंगे, बाहर वाले लोग डिपेंड है कि हम अपना गुड्स इंडिया में बेचेंगे, गवर्नमेंट डिपेंड है प्रोड्यूसर से टैक्स के लिए। तो इन चारों सेक्टर्स में जो डिपेंडेंसी चल रही है उस डिपेंडेंसी के फ्लो को हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो। और सर्कुलर फ्लो क्या होता है, सर्कुलर फ्लो चलता है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में। तो इसमें 2 तरीके के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अगर उनके बीच में जो फ्लो चल रहा है उसमें पैसे की बात है ही नहीं, सर कैसे, जैसे कि जो हाउस होल्ड है वो वहां नौकरी कर रहा है या उसने अपना घर दे रखा है प्रोडक्शन के लिए, उसके बदले प्रोड्यूसर उसे सामान दे रहा है, तो ये हमारा कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो है। और जब पैसे का फ्लो चल रहा है, हो सकता है प्रोड्यूसर सामान उसको बेच रहा है तो हाउस होल्ड पैसा दे रहा है, हो सकता है हाउस होल्ड वहां पर नौकरी कर रहा है तो प्रोड्यूसर उसको पैसा दे रहा है। इस फ्लो को हम कहते हैं मनी फ्लो। और इसी के साथ जो आपका पहला चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो खत्म होता है, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा अपने फ्रेंड्स को, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इनकम, तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल।